ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सोनाली फोगाट हत्याकांड पर। हरियाणा सरकार ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को चिट्ठी लिखकर हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश करने की अपील की है। ये चिट्ठी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लिखी है। पिछले कई दिनों से सोनाली फोगाट का परिवार हरियाणा सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। घरवालों का आरोप है कि इस हत्याकांड में बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं जिन्हें किसी भी सूरत में सजा मिलनी चाहिए। सोनाली के घरवालों की मांग पर ही अनिल विज ने गोवा सरकार को चिट्ठी लिखी है ताकि वो इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करें। इस बीच गोवा के डीजीपी ने हत्याकांड की पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को सौंप दिए। गोवा के मुख्यमंत्री को, गोवा सरकार को हमने लिख दिया है कि इसकी हम सीबीआई जांच की स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच की। और अपनी रिपोर्ट में गोवा पुलिस ने यह दावा किया कि सोनाली फोगाट को पानी में मिलाकर ड्रग्स दिए गए थे जिन्हें पीने से उनकी मौत हो गई। आरोप है कि उनके पीए सुधीर सांगवान ने अपने दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर यह साजिश रची थी और दोनों ने मौका मिलते ही सोनाली को ड्रग्स दे दिए थे जिससे न सिर्फ उनकी तबीयत बिगड़ी बल्कि कुछ ही घंटों में उनकी मौत भी हो गई। गोवा पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने सोनाली को पानी में मिलाकर ड्रग्स पिलाए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि 22 अगस्त को सोनाली शाम करीब 4 बजे अपने पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर के साथ गोवा पहुंची थी। इसके बाद वो नॉर्थ गोवा में मौजूद द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट चली गई। गोवा पुलिस के मुताबिक होटल से सोनाली रात करीब 10 बजे कर्लीज क्लब पहुंची और इस दौरान सुधीर सांगवान और सुखविंदर भी उनके साथ थे। आरोप है कि कर्लीज क्लब में ही सुधीर ने सुखविंदर के साथ मिलकर पानी में ड्रग्स मिलाया और फिर जबरन सोनाली को पिला दिया, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें सुधीर जबरदस्ती सोनाली के मुंह में बोतल लगाता दिखाई दे रहा है। गोवा पुलिस का दावा है कि बोतल के अंदर पानी में ड्रग्स मिलाए गए थे। इस दौरान सोनाली डांस करते हुए लड़खड़ाती नजर आई। हत्या के बाद सोनाली फोगाट का ये तीसरा वीडियो सामने आया है जिसमें वो सुधीर सांगवान के साथ दिखाई दे रही। पहले वीडियो में वो काले रंग की ड्रेस पहनकर सुधीर और सुखविंदर के साथ क्लब में डांस करती दिखाई दी थी, जबकि दूसरे वीडियो में सुधीर लड़खड़ाती हुई सोनाली को सहारा देकर ले जाता नजर आया था। इस वीडियो में सुखविंदर भी पास में खड़ा दिखाई दिया था और अब तीसरे वीडियो में सुधीर सोनाली को जबरन कुछ पिलाता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि सोनाली फोगाट हत्याकांड से जुड़े ये तीनों वीडियो कर्लीज क्लब के ही हैं, जहां सोनाली को साजिश के तहत ड्रग्स दिए गए थे। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स देने के बाद रात करीब 2:30 बजे सोनाली फोगाट की तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी, जिसके बाद सुधीर उन्हें बाथरूम ले गया था जहां सोनाली को कई उल्टियां हुई। पुलिस का दावा है कि रात करीब 2 घंटे तक सोनाली वॉशरूम में ही थी। उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। बाद में 23 अगस्त सुबह करीब 6 बजे सुधीर और सुखविंदर उन्हें किसी तरह बेहोशी की हालत में कर्लीज क्लब से होटल लेकर पहुंचे और फिर सोनाली फोगाट को पास के ही अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनकी मौत हो गई थी। बाद में उनके घरवालों की शिकायत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने सुधीर और सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में दोनों ने सोनाली को ड्रग्स देने की बात कबूल कर ली थी। पुलिस के मुताबिक सोनाली को पानी में मिलाकर ड्रग्स दिए गए थे जिन्हें सुधीर ने होटल कर्मचारी दत्त प्रसाद गांवकर से मंगवाया था। ड्रग्स के लिए सुधीर ने उसे 7,000 और इस काम के लिए इसे अलग से 5,000 रुपए दिए थे। जांच के दौरान पुलिस ने लेडीज टॉयलेट से ड्रग्स भी बरामद कर लिए थे जिन्हें बोतल में छिपाया गया था। इसके बाद दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत भी केस दर्ज कर लिया गया। इस मामले में सुधीर और सुखविंदर और दत्त प्रसाद गांवकर के साथ 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं।